ओके दोस्तों, वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 2 को प्रोसीड करते हुए। आज हम थ्योरम पर चलेंगे, क्योंकि जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स थे थ्योरम को समझने के लिए, सब कुछ मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सबसे पहला थ्योरम, जिसको हम कहते हैं सुपर पोजिशन थ्योरम। क्या कहते हैं इसको? सुपर पोजिशन थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसको हिंदी में हम कहते हैं अध्यारोपण का प्रमेय। क्या कहते हैं? अध्यारोपण प्रमेय। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? अध्यारोपण प्रमेय। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसको हम पढ़ते क्यों हैं। मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, सर्किट है, उसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगे हुए हैं। उसके किसी पर्टिकुलर ब्रांच में हमें करंट का मान निकालना है, तो अलग अलग स्रोतों के सक्रिय होने पर उसमें बहने वाली जो धारा होगी उसका सदिश योग ही उस ब्रांच की धारा होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई सर्किट है जिसमें दो वोल्टेज सोर्स लगा है, तो पहले एक को हटा करके एक वोल्टेज सोर्स से हम देखेंगे उसमें कितना धारा फ्लो हो रही है। फिर उस वोल्टेज सोर्स को हटा के जिसको पहले आप हटाए थे उसको जोड़ करके फिर उस वोल्टेज सोर्स के द्वारा देखेंगे उस ब्रांच में कितनी धारा फ्लो हो रही है। ठीक है, फिर दोनों का एलजेब्रिक सम निकालेंगे, हैं सदिश योग दोनों का निकालेंगे। उसके बाद तब हम डिसाइड करेंगे कि उस ब्रांच में कितना करंट रियल में फ्लो हो रहा है। बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसी चीज समझने कठिनाई की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई पात्र है, मान लीजिए कोई यूटेंसिल है, कोई बर्तन है। ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति ए है जिसमें 5 लीटर दूध डालता है, फिर उसको हटा दिया, फिर किसी दूसरे व्यक्ति बी को लाए, वो इसमें 2-3 लीटर दूध डालता है। अब पात्र में कितने दूध है, अब दोनों का क्या करेंगे, योग करेंगे, तभी ना मालूम चलेगा। वही चीज़ है, किसी ब्रांच में हमें धारा निकालना है तो मान लीजिए बहुत सारे स्रोत हैं जो उसमें धारा भेज रहे हैं, तो अलग अलग स्रोतों से उसमें बहने वाले धाराओं को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, फिर उनका एलजेब्रिक सम निकाल देंगे। आपका क्या हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू हो जाएगा। लेकिन इसका कंडीशन है कि लीनियर नेटवर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीनियर नेटवर्क होना चाहिए। इसमें पावर कैलकुलेशन वैलिड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्या होना चाहिए? लीनियर नेटवर्क होना चाहिए जिसमें RLC ही एलिमेंट उपयुक्त में हो। RLC अलावा जैसे डायोड हो गया या ट्रांजिस्टर हो गया, ये सारी चीजें इसमें यूजफुल ना हो दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट कथन, इसका कथन क्या है? मान लीजिए किसी किसी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड लीनियर नेटवर्क जिसमें एक से अधिक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स जुड़ा हो किसी ब्रांच में धारा का मान अलग अलग स्रोतों के सक्रिय होने पर उस ब्रांच में प्राप्त धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। क्या होता है? यही इसका क्या है, स्टेटमेंट है। किसी कॉम्प्लिकेटेड लीनियर नेटवर्क, कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स आपस में जटिल हो,
कि किसी ब्रांच में धारा का मान अलग अलग स्रोतों से के सक्रिय होने पर उस ब्रांच में प्राप्त धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। इतना स्टेटमेंट आपको याद रखना है, इसके लिए इतना स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान में रखिएगा, अब इसके बाद क्या इसके कंडीशंस हैं। इसमें मान लीजिए कि एक वोल्टेज सोर्स लगा है, करंट सोर्स लगा है, तो वोल्टेज सोर्स को हटाने के लिए क्या करते हैं, उसको शॉर्ट करते हैं। करंट सोर्स को हटाने के लिए क्या करते हैं, उसको ओपन करते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इस बात को भी हम सीट कर देते हैं, इसको भी लिख देते हैं। बहुत आसान लैंग्वेज में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को हटाने के लिए, वोल्टेज सोर्स को, वोल्टेज सोर्स को हटाने के लिए क्या करते हैं, उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। क्या करते हैं, एससी करते हैं। एससी मतलब शॉर्ट सर्किट करते हैं। वोल्टेज सोर्स को हटाने के लिए उसको एसटी करते हैं तथा करेंट सोर्स को हटाने के लिए, करेंट सोर्स को हटाने के लिए, करेंट सोर्स को हटाने के लिए क्या करते हैं, उसको ओपन सर्किट करते हैं। क्या करते हैं, ओपन सर्किट करते हैं, ठीक है। वोल्टेज सोर्स को हटाने के लिए शॉर्ट सर्किट करते हैं तथा करंट सोर्स को हटाने के लिए ओपन सर्किट करते हैं। बस ये रूल है जिसको ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो कुछ इजी भी और कुछ कठिन भी, दोनों प्रकार के क्वेश्चंस इस पर करते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस पर क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आपके सामने एक नेटवर्क रखा हुआ है, इसमें बीई ब्रांच में क्या निकालना है, करंट निकालना है। क्वेश्चन ऐसे कर सकता है, फाइंड करंट, क्वेश्चन इसका है फाइंड करंट, फाइंड करंट इन ब्रांच, इन ब्रांच बीई बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, बी ब्रांच में सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रयोग करके धारा का मान निकालिए। इस ब्रांच में हमें धारा का मान निकालना है। इसमें देखिए दो वोल्टेज सोर्स एक्टिव है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। थोड़ा सा हमने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लिया है, जानबूझकर लिया है। इसलिए लिया है कि जब कॉम्प्लिकेशन आपको समझ में आ जाएगा ना, तो इसके बाद पीजी सर्किट लेके सॉल्व करा दूंगा, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो पहले कॉम्प्लिकेटेड को देख लेते हैं, फिर इजी को भी नेटवर्क में हम सब सॉल्व करेंगे, है। तो चलिए, तो इसमें हमें क्या निकालना है, बी। तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉर्टिंग 25 वोल्ट। पहले हम 25 वोल्ट को क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, है। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें 50 वोल्ट के द्वारा इसमें देखेंगे कितना करंट फ्लो रहा, फिर 25 वोल्ट के द्वारा देखेंगे इसमें कितना करंट फ्लो रहा। अगर दोनों अपोजिट हैं तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सिंपल से बेटर है। अगर दोनों एक दूसरे के साथ हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग 25 वोल्ट सोर्स, इसको क्या लिखेंगे, 25 वोल्ट सोर्स को सॉल्ट करने पर, ठीक है। बहुत छोटा लैंग्वेज हमने लिखा है, सॉल्टिंग 25 वोल्ट सोर्स। तो यहां से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका 10 ओम है, यहां पे आपका 5 ओम है, और मैंने इसको क्या कर दिया, सॉल्ट कर दिया। मैं वही एग्जांपल लिया हूँ जो किरचॉफ लॉ में लिया था, क्यों, क्योंकि देखें तो कोई अंतर तो नहीं आता है, कोई अंतर भी नहीं आता, ठीक है। उसी चीज को वेरीफाई करने के लिए हमने लिया है, ठीक है। तो
10 ओम हो गया, 5 ओम हो गया, फिर यहाँ पे फिर 5 ओम हो गया, और फिर इनको ऐसे मिला दिया, ये आपका क्या हो गए, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ए आपका ई हो गया, ये आपका क्या हो गया, एफ हो गया, ये आपका क्या हो गया, 50 वोल्ट सोर्स हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब हम देखेंगे इस 50 वोल्ट सोर्स के द्वारा इस ब्रांच बी में कितना करंट फ्लो हो रहा है, कि कैसे करंट हम कैसे जान पाएंगे। जब तक इसके क्रॉस टोटल रेसिस्टेंस नहीं मिलेगा तब तक करंट हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, तो वी तो मालूम है। अब इस सबके जगह पे एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसके क्रॉस निकालना पड़ेगा ना, तभी ना टोटल करंट निकलेगा। फिर करंट डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस में आने वाली करंट निकालेंगे, तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना इनके क्रॉस, और फिर टोटल करंट निकालना जो यहाँ से निकल के यहाँ फ्लो हो रही है, और फिर करंट डिस्ट्रीब्यूशन से इसमें बहने वाली धारा निकाल लेंगे, तो बी ब्रांच में करंट चाहिए बस। तो चलिए अब इधर से हम चलना शुरू करते हैं। ठीक है, इधर से हम चल रहे हैं, तो 5 ओम देखेंगे, इसका पहला टर्मिनल 5 ओम के पहले टर्मिनल से, फिर इसका दूसरा टर्मिनल 5 ओम के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट है। ऐसे देखें जब करंट यहाँ फ्लो होगी तो इधर इधर दोनों में अलग अलग बढ़ जाएगी। ठीक है ना, बटने की वजह से क्या होगा, दोनों पैरेलल होंगे। देखिए पहला पहले से, दूसरा दूसरे, तार ही तो है, इसको हम चाहे तरवा से तिरछा कर देंगे तो नहीं पैरेलल हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसी 5 ओम को यहाँ से हटा के यहाँ लगा दें तो पैरेलल नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो अब इन दोनों के इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा पैरेलल। अब जो भी यहाँ पे आएगा वो और ये, अब देखेंगे कि जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है वही इसमें फ्लो होगा, यानी कि ये और ये क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, जो करंट इसमें वही करंट इसमें। ठीक है, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमको आर ए एफ निकालना है दोस्तों, तो 10 तो सीरीज होगा, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, 5 × 5 = 5 + 5 हो जाएगा, तो 10 + क्या हो जाएगा, 25/10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 125/10 हो जाएगा, क्योंकि 10 × 10 = 100। ठीक है, और फिर इसको 5 से काट दीजिए दोस्तों, तो 5 × 2 = 10, 5 × 25 = 25, 5 × 2 = 10, यानी कि 25/2 हो जाएगा। ठीक है, 25/2 ये हो गया आर ए एफ ओम। ठीक है, इसके क्रॉस टोटल करंट निकालना है, आई इक्वल टू टोटल करंट सप्लाई करंट, ठीक है, बाय 50 वोल्ट, 50 वोल्ट के द्वारा दी जाने वाली टोटल करंट हम निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर, वी है 50, ये क्या हो जाएगा 25/2, ये 2 को ऊपर भेज दीजिए, 50/2 25 हो जाएगा, 25 × 50 कितना आया, 4 एम्पियर। इस प्रकार से आपने क्या देखा, 4 एम्पियर करंट जो है यहाँ से निकल रही है, 4 एम्पियर करंट। तो सीधे करंट डिस्ट्रीब्यूशन लगाइए चाहे बिना लगाए जान जाइए कि 4 एम्पियर करंट इक्वल रेसिस्टेंस में इक्वल मात्रा में ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि 2 एम्पियर इसमें, 2 एम्पियर इसमें। लेकिन अगर आपको नहीं विश्वास है तो एक बार करंट डिस्ट्रीब्यूशन लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए बाई यूजिंग करेंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, करेंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, धारा वितरण के नियम से, धारा वितरण के नियम प्रयोग करने पर। ठीक, इसमें धारा वितरण का नियम क्या किया हमने, धारा वितरण का नियम इसमें हमने प्रयोग किया, तो हमको मिल जाएगा आई बी ई इक्वल टू क्या मिलेगा, 4 एम्पियर करेंट है, तो इस 5 को ऊपर कर दीजिए, इन दोनों को नीचे कर दीजिए, और फिर 4 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो 5/10 इक्वल टू 4 हो जाएगा, 5 × 10 और 2 × 4 कितना आया, 2 एम्पियर। डायरेक्ट भी हम निकाल सकते थे क्योंकि यहाँ पे 4 एम्पियर जा रहा है, इक्वल रेसिस्टेंस में अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 2-2 एम्पियर ही तो होगा। तो इस प्रकार से आपने इस ब्रांच में इस सोर्स के द्वारा करंट निकाल दिया कितना, 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर, प्लीज नोट डाउन इट। अब हम क्या करेंगे स्टेप 2 में, अब 50 वोल्ट को शॉर्ट करेंगे, इसके द्वारा देखेंगे कितना करेंट फ्लो हो रहा है बी ब्रांच में, है फिर इन दोनों का हम एल्जेब्रिक सम निकाल देंगे और हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। बस कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्त, बहुत ही आसान है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको
सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको हम रिमूव करते हैं, प्लीज नोट डाउन इट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको लैंग्वेज से किसी तरह प्रॉब्लम होती है जरूर बताइएगा। प्रयास यही किया जाता है कि वन वे कम्युनिकेशन होने की वजह से कोई दिक्कत ना आवे, हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है दोस्तों, बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं इसी स्टेप को बढ़ाते हुए। स्टेप सेकंड में हम देखेंगे क्या देखेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। अब हमारा जो है अगला है स्टेप टू। स्टेप टू अब यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्टिंग 50 वोल्ट सोर्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या शॉर्टिंग 50 वोल्ट सोर्स, ठीक है। 50 वोल्ट सोर्स को शॉर्ट करने पर यहां पे लिख दीजिएगा 50 वोल्ट सोर्स को शॉर्ट करने पर, 50 वोल्ट सोर्स को क्या करने पर, शॉर्ट करने पर, शॉर्टिंग 50 वोल्ट सोर्स। तो 50 वोल्ट सोर्स को जब हम शॉर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और फिर यहां पे 10 ओम का रेसिस्टेंस है तो उसको रहने दिया, फिर यहां पे 5 ओम का है उसको रहने दिया, यहां पे ये जो चीज है ना इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब इसके द्वारा देखना है हमें वोल्टेज। फिर यहां पे आपका 5 ओम है तो इसको ऐसे भी रहने दिया, जिसका जो नाम है हम वहां पर लिख देंगे AFBE, फिर यहां पे CD, AFBE CD है, हो गया। अब हम इस BE को उठा करके दोस्त किनारे कर देते हैं, 10 ओम 5 को उठा के किनारे कर देते हैं, क्यों, क्योंकि 10 ओम 5 ओम ये सब आपस में पैरेलली कनेक्ट है। देखिए पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, सब एक दूसरे से पैरेलल कनेक्ट है, नहीं विश्वास हो रहा है। तो हम 10 ओम को यहाँ ना लगा के यहाँ लगा दीजिए ना, 5 ओम को यहाँ ना लगा करके यहाँ लगा, आखिर ये 5 ओम इस पूरे तार का ही तो प्रतिरोध है, पूरे तार के प्रतिरोध को जनों पे दिखाया गया कैलकुलेशन के लिए, इसलिए न्यूटन नेटवर्क इसको कहते हैं। ये भी 10 ओम का रेजिस्टेंस पूरे तार का है ना, जिसको एक जगह पे दिखाया गया है। हम यही क्यों लिखे, हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये, इसको हम यहाँ क्यों लिखे, यहाँ नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख दीजिए 5 ओम को यहाँ, 10 ओम को देखो सब पैरेलल में हो गए, नहीं हो गए, हो गया ना। अब इसको हम छटका किनारे कर देते हैं फॉर इजी नेटवर्क, ठीक है। इजी में करने के लिए हम इसको इजी बना देते हैं, इजी में धुल के इसको इजी बना देते हैं। यहाँ 25 वोल्ट है, यहाँ 5 ओम है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 10 ओम लगा दिया, पैरेलल है सब, कुछ इसमें सोचने की बात नहीं है, और यहाँ पे हमने 5 ओम लगा दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। और ये ब्रांच आपका बी है, ध्यान दीजिएगा ये बी ब्रांच है, और ये आपका शॉर्ट वाले को हटा दिया, ये आपका एएफ ब्रांच है दोस्तों, ये आपका क्या है, एएफ ब्रांच है, क्योंकि शॉर्ट शॉर्ट का मतलब एक तार ही है, हम तार पंप कर दिए, हमको धारा फ्लो करानी है ना बस, ये आपका सीडी ब्रांच हो गया। ये तार ही तो है, हटा दिया इसको, क्या फालतू का तार लगाना, आप सब मान लीजिए घर की वायरिंग कर रहे हैं तो जब आपको जहां लगेगा तार की आवश्यकता नहीं है उसको काट के निकाल देंगे, रख लेंगे ना फिर आगे यूज करने के लिए, नहीं तो मान लीजिए यहाँ पे बल्ब लगाना है, यहाँ से सप्लाई है, तो यहाँ से तार वहां ले जाइए, वहां से तार यहाँ, फिर तब क्या फायदा डायरेक्ट दे दीजिए। वैसे जब हमें इसकी अब जरूरत नहीं कि इस तार को हटा किनार कर दिए, इसको लाके इसमें जोड़ दिए बस, हाँ तो ये हो गया। अब इसमें देखते हैं बी ब्रांच में कितना करेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके द्वारा 25 वोल्ट सोर्स के द्वारा, तो इसको हम हटा देते हैं, इसको हमने ईजी नेटवर्क में यहाँ पे क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं।
जब इसको हम हटा दिए, अब देखते हैं 25 वोल्ट सोर्स के द्वारा कितना करंट फ्लो रहा। इसके ट्रांस पहले टोटल रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, तो 10 और 5 पैरेलल में तो रख दिए, अब 5 और जो आएगा वो सीरीज में हो जाएंगे क्योंकि सेम करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पे आरबी अगर हमें निकालना है तो सोचने वाली बात नहीं है, 10 × 5 / 10 + 5 + 50/15 पाँच से काटिए, 5 × 50 5 × 15 5 + 10/3 3 × 5 = 10 25/3 ये हो गया आरबी। तो अब आईबी निकालना है, क्या निकालना है, आईबी निकालना है। आईबी मतलब बी ब्रांच में 25 वोल्ट के सोर्स पर फ्लो टोटल करेंट, तो क्या हो जाएगा IB/R। आर कितना है 25/3, तो भाई 25 से 25/3 हो गया ऊपर। तो आईबी मतलब इसमें इस बी ब्रांच में नीचे से ऊपर जाने वाली करंट क्या हो गई, 3 एम्पियर। कितना हो गई, 3 एम्पियर। अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या इस ब्रांच में टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो दोनों ब्रांचों के द्वारा करंट हम निकाल के फिर आसानी से क्या कर लेंगे, फ्लो कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए और फिर हम आगे बात करते हैं, फिर हम इसके आगे बात करते हैं कैसे आप करंट को कैलकुलेट करेंगे। अब ऊपर से आ रहा था 2 एम्पियर, नीचे से जा रहा है 3 एम्पियर, एल्जेब्रिक सम लेंगे तो 2 - 3 कितना आया, -1 एम्पियर। यही आपका सेम यही बात आपका किसमें था, यही सेम बात आपका किरचॉफ लॉ में था। ठीक है, यही बात, तो अगर उस ब्रांच में पर्टिकुलर ब्रांच में आप उसमें करंट निकालते तो उसमें भी -1 एम्पियर ही था। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टेप थ्री कैलकुलेशन ऑफ करेंट, क्या है कैलकुलेशन ऑफ करेंट इन ब्रांच ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ करेंट इन ब्रांच बी, बी ब्रांच में धारा का कैलकुलेशन। ठीक है, तो चलिए सर्किट बना लेते हैं, यही वाला यही सर्किट है ना। जी बताइए, इस सोर्स के द्वारा करंट कितनी फ्लो हो रही थी, 2 एम्पियर, और 25 वोल्ट के द्वारा कितना हो रही थी, 3 एम्पियर। तो बी ब्रांच में टोटल करंट कितनी होगी, बी ब्रांच में 2 - 3 = -1 एम्पियर दोस्तों। ठीक है, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब आप जो है वेरीफाई करना है तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के वेरीफाई कर लीजिए, वही चीज आएगा। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेंगे जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व इट। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन में लिखा हुआ हूं जिसको आपको स्वयं सॉल्व करना है। ठीक है, फाइंड द, यहाँ पे लिखेंगे क्या, Find the value of current I by using superposition theorem। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें I की वैल्यू निकालना है, इसका आंसर है 1.5 एम्पियर। निकाल के वेरीफाई भी कर लीजिएगा, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व भी कराऊंगा। ठीक है, इसको स्टार्ट करिएगा, इसके द्वारा इसमें करंट निकाल लीजिएगा, पहले टोटल निकाल के 4 पहले 2 एम 2 और 2 4 एम 6 वोल्ट के द्वारा करंट टोटल निकालिए, करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से निकाल लीजिएगा, फिर इसको स्टार्ट करिएगा, इसके द्वारा सेम वही प्रोसेस करिएगा, इसके द्वारा इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन से ये 2 4 पैरेलल सीरीज में करके टोटल करंट, फिर करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से इसके द्वारा इसमें फ्लो होने लगेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में होने, दोनों को जोड़ लीजिएगा, 1.5 एम्पियर आनी चाहिए। ठीक है, आपको इसे सॉल्व करना है सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके, आपका असाइनमेंट है। तो इस प्रकार से हाँ, जो किरचॉफ लॉ के द्वारा हमने बताया था ना, इसमें आपने देखा होगा I1 की वैल्यू 2 एम्पियर आई होगी और I2 की वैल्यू 3 एम्पियर आई होगी। ठीक है, तो टोटल करंट अगर निकालना होगा तो -1 एम्पियर ही तो होगा, सिंपल सा मैटर है। तो किरचॉफ लॉ में आप देख लीजिएगा कि वैल्यूज कहाँ से कौन कौन सी आई है, तो ब्रांच में निकालने के लिए उसको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो -1 ही तो होगा, सिंपल सा मैटर है।
तो चलिए अगर चार और तीन होता, मान लीजिए तीन है चार है, तब भी माइनस एक आया होगा, ठीक है। देख लीजिएगा उसमें क्या था, ब्रांच में निकालने के लिए उसको सब्ट्रैक्ट करिएगा। हाँ, तो इस प्रकार के आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया सुपरपोजिशन के द्वारा। हाँ, अब मैं अगला थ्योरम समझाने की कोशिश करूंगा। इस पर मैंने एक न्यूमेरिकल भी दे दिया जिसे आपको सॉल्व करना है। इजी न्यूमेरिकल दिया है इसीलिए कि आप आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड वाला हमने हैंडल कर लिया है, ठीक है। तो अब अगला थ्योरम हम लेकर चलते हैं जिसका नाम है थेवेनिन थ्योरम। हम बात करते हैं किस पर, थेवेनिन थ्योरम पर। यही क्वेश्चन हम थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहा है कि नहीं। चलिए हम देखते हैं थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, फिर उसके स्टेप्स क्या है, और फिर उसको लेकर के हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सब जितने भी थ्योरम हम बता रहे हैं सब ध्यान दीजिएगा, एसी डीसी दोनों पे वेरिएबल हैं, वो एप्लीकेबल हैं, लेकिन इसके लिए लीनियर नेटवर्क का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अगला थ्योरम है मेरा थेवेनिन थ्योरम। क्या थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम ये क्या कहता है, ये कहता है, ये भी किसी कॉम्प्लिकेटेड अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है उसमें किसी पर्टिकुलर ब्रांच में अगर आपको करंट की वैल्यू निकालनी है, इस थ्योरम के द्वारा पहले उसको ईजी नेटवर्क में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उस ईजी नेटवर्क से उस ब्रांच में धारा का मान निकाला जाता है। लिसन टू मी केयरफुली वंस अगेन, कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है उसको पहले ईजी नेटवर्क में कन्वर्ट किया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बोले तो जिसमें अधिक से अधिक वोल्टेज सोर्स करेंट सोर्स हो, उसको पहले ईजी नेटवर्क में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उस ईजी नेटवर्क से पर्टिकुलर ब्रांच में करेंट की वैल्यू निकाल लिया जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द स्टेटमेंट ऑफ थेवेनिन थ्योरम व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द साइट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन अदर यू कैन से हियर। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं थेवेनिन थ्योरम के स्टेटमेंट को, किसी कॉम्प्लिकेटेड लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को, किसी कॉम्प्लिकेटेड लीनियर इलेक्ट्रिकल, किसी कॉम्प्लिकेटेड लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को, नेटवर्क जिसमें एक या एक से अधिक वोल्टेज सोर्स या करेंट सोर्स लगा हो, किसी कॉम्प्लिकेटेड लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जिसमें एक या एक से अधिक वोल्टेज सोर्स या करेंट सोर्स हो, को ऐसे ईजी नेटवर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है को ऐसे ईजी नेटवर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है जिसमें केवल एक ही वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में एक ही रेसिस्टेंस हो, ठीक है। इस वोल्टेज सोर्स को थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स क्या बोलते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इसको यहां लिख देते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट
थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, तथा रेसिस्टेंस को थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तथा वोल्टेज सोर्स तथा रेसिस्टेंस को थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं, जिसको क्रमशः, चाहे सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे ब्रैकेट में लिख दीजिए, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज यानी कि VTH, ठीक है, और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब RTH, इसका मतलब क्या है, RTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट मतलब RTH, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, कहते हैं। और इस इजी नेटवर्क को, जो इजी नेटवर्क बाद में निकल के आया है, इस इजी नेटवर्क को थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क कहते हैं। ये सारी बात है, बस इतना। ये आपका क्या है, थेवेनिन थ्योरम का क्या है, स्टेटमेंट है, कोई कॉम्प्लिकेटेड लीनियर नेटवर्क, लीनियर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना मत भूलिएगा, लिख करके इसको जरूर अंडरलाइन कर दीजिएगा। लीनियर का मतलब चाहे सर्किट में R हो, चाहे सर्किट में L हो, चाहे सर्किट में C हो, अगर इनमें से कोई भी है ये एप्लीकेबल है। अगर इनके अलावा डायोड, ट्रांजिस्टर, फेट, मॉस्फेट, कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस आ गया, नॉन ओमिक कंडक्टर आ गए, जिसका वोल्टेज करेंट का ग्राफ लीनियर नहीं मिलता, कोई भी अगर इस तरह का नेटवर्क एलिमेंट आ गया सर्किट में, तो आप थेवेनिन थ्योरम यूज नहीं कर सकते, जबरदस्ती कर दिए तो रिजल्ट गलत आएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसका मॉडल क्या है सर्किट का, तो जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। ये स्टेटमेंट बहुत ही आसान है। मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्स, करेंट सोर्स लगे हैं, तो हम बहुत आसानी से एक ऐसे इजी नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, जिसमें केवल एक ही वोल्टेज सोर्स होगा, उसके पैरेलल में एक सीरीज में एक ही रेसिस्टेंस होगा, उस वोल्टेज सोर्स को हम क्या कहेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, और उस रेसिस्टेंस को क्या कहेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, बस दोनों सीरीज में जोड़ देंगे, और फिर जिस ब्रांच में धारा निकालनी है उसको भी पैरेलल में जोड़ के फिर हम क्या कर देते हैं, उसमें बहने वाली धारा आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट को हम देखते हैं, मतलब इसको आगे बढ़ाते हुए, प्रोसीड करते हुए, कि वो इजी नेटवर्क क्या है, फिर उसका फार्मूला देख लेंगे तो आसान हो जाएगा बहुत। सुपर पोजिशन जैसे आपने देखा जिस तरह से आसान था, सुपर पोजिशन में तो कुछ नहीं, एक को रोको, दूसरे से धारा निकालो, फिर दूसरे की पहले को रोक दो, दूसरे से धारा निकाल दो, फिर उसका एल्जेब्रिक सम ले लो, बस। ठीक है, तो सुपर पोजिशन भी आपका बहुत बेहतरीन था, अब थेवेनिन भी आपका बहुत बेहतरीन आपके सामने आने वाला है। ठीक है, देखिए ये मान लीजिए ये आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए क्या, कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या कॉन्टेन करता कर रखा हुआ है, कॉन्टेनिंग मोर वोल्टेज आर करेंट सोर्स। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क मान लीजिए ये है, जिसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स है, तो बाद में हम क्या करते हैं, जो आपका लोड रेसिस्टेंस है, ये इस तरह का मान लीजिए कि कोई सर्किट है। ठीक है, इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए कैसे, थेवेनिन इक्विवेलेंट में इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में से हम वोल्टेज सोर्स निकाल लेंगे, ये VTH हो जाएगा, फिर इसके सीरीज में एक ही रेसिस्टेंस लगाएंगे RTH, और फिर जो लोड रेसिस्टेंस है ना उसको बाद में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये होगा RL। तो ये जो आपकी सर्किट होगी ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, ये जो सर्किट है VTH RTH वाली, इसी सर्किट को हम क्या बोलते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। क्या बोलते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट।
ये जो आपका सर्किट है ना, ये जो आपकी सर्किट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, थेवनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। इसमें आपका VTH क्या है, VTH है थेवनिन, थेवनिन इक्विवेलेंट, थेवनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, ठीक है, VTH हो गया। RTH क्या है, थेवनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, थेवनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, थेवनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। ये अब ये बाद में जो लोड रेसिस्टेंस इसमें लगा था उसको बाद में ले आकर के इसके साथ जोड़ देते हैं। तो अब इसमें जो फ्लो होने वाली करंट है, अब इसको आसानी से हम निकाल लेते हैं कैसे, ठीक है, लोड करंट, इसको कैसे निकाल लेते हैं, लोड करंट कैसे निकालते हैं, IL कैसे निकालेंगे, VTH अपान RTH प्लस RL से, ठीक है। ये सिंपल सा फार्मूला लास्ट में अप्लाई करके आसानी से इसमें फ्लो होने वाली करंट को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में इसी चीज को कैसे लिखेंगे, वोल्टेज सोर्स, कई वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स धारण किया हुआ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ये आसान है कि वो आसान है, आप खुद समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क जिसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स को धारण कर, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। इसका मतलब है थेवनिन इक्विवेलेंट, थेवनिन समतुल्य वोल्टेज VTH, इसका थेवनिन इक्विवेलेंट, थेवनिन समतुल्य रेसिस्टेंस, ठीक है। ये है इसका फार्मूला। इस तरह से एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, उसको इजी नेटवर्क में कन्वर्ट करने के बीच, इनके इसको इस सर्किट में कन्वर्ट करने पर आप बहुत सारे स्टेप्स अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है, अप्लाई मोर स्टेप्स, ठीक है। ये आसानी से कन्वर्ट नहीं होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है इसको, इसी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को इस इजी नेटवर्क में कन्वर्ट करने के बीच में। तो हम इस स्टेप्स को देखते हैं कि क्या क्या स्टेप होते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगी, तो समझ में आ भी जाएंगी, है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उसको भी देख लेते हैं, फिर इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या स्टेप्स हैं उसको देख लेते हैं, अब फिर जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टेप्स हम लिख देते हैं, उसको आप फॉलो करिएगा, हर एक सर्किट में वही स्टेप फॉलो होगा, और उससे आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होगा उसको आप क्या करेंगे, इजी नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए, अब क्या क्या स्टेप्स हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेप्स फॉर थेवनिन थ्योरम, ठीक है। इसको आप ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं, थेवनिन प्रमेय का चरणवत प्रक्रिया, ठीक है। स्टेप्स फॉर थेवनिन थ्योरम, क्या क्या स्टेप होते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जिस ब्रांच में आपको करंट निकालना है उसको ओपन कर देना है, ठीक है। सबसे पहले आपको करना है ओपन द लोड रेसिस्टेंस, ठीक है। मतलब क्या है, लोड प्रतिरोध को ओपन कीजिए, पहला स्टेप आपका यही होना है कि जो इसमें भी आपको करंट निकालना है उसको क्या कर देना है, ओपन कर देना है, ठीक है। फिर फाइंड
थेवनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज वोल्टेज एक क्रॉस ओपन टर्मिनल। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब हुआ उसके बाद हमें ओपन टर्मिनल के आर पार ओपन टर्मिनल के आर पार मतलब एक क्रॉस, ठीक है, के एक क्रॉस ओपन टर्मिनल के क्रॉस मतलब आर पार ओपन टर्मिनल के क्रॉस थेवनिन, आप सीधे लिख लीजिए VTH के क्रॉस VTH प्राप्त कीजिए, ठीक है। थेवनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज यानी कि VTH क्या प्राप्त करना है, VTH, ठीक है। फाइंड थेवनिन इक्विवेलेंट VTH अक्रॉस ओपन टर्मिनल है। फिर तीसरा स्टेप है फाइंड RTH, RTH मतलब थेवनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, अक्रॉस ओपन टर्मिनल, ठीक है। हिंदी में लिख लीजिए खुले टर्मिनल के जिसको आपने खोला के क्रॉस खुले टर्मिनल के क्रॉस RTH प्राप्त कीजिए, ठीक है, RTH प्राप्त कीजिए, ठीक है। इसके बाद चौथा स्टेप है क्या, मेक थेवनिन इक्विवेलेंट सर्किट एंड फाइंड लोड करेंट बाय यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला, ठीक है। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, थेवनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। ये आपका एक ही वोल्टेज सोर्स होगा VTH, इसके सीरीज में एक ही रेसिस्टेंस होगा RTH, और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोड रेसिस्टेंस जोड़ देंगे RL। अब इसमें ये फार्मूला लगा देंगे IL इक्वल टू क्या होगा, VTH अपॉन RTH प्लस RL, ठीक है। इसी बात को हिंदी में लिख लीजिए, क्या लिखना है, थेवनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, थेवनिन समतुल्य परिपथ बनाइए, थेवनिन समतुल्य परिपथ बनाइए तथा निम्न सूत्र का प्रयोग करके लोड करेंट प्राप्त कीजिए। ये तो था पूरा स्टेप, ये थेवनिन थ्योरम का चरणोत्तर प्रक्रिया है, ये स्टेप है। ये स्टेप आपको अच्छे तरीके से कब समझ में आएगा, जब एक क्वेश्चन लेकर के और सारे स्टेप को हम अप्लाई करते हुए चलते चले जाएंगे। बस देखिए आंख मूंदिए और इस चीज को अपने आप कल्पना करिए कि जिस भी ब्रांच में हमें करंट निकालना है उसको ओपन कर दिया, खोल दिया, पहला काम, ठीक है। उसके बाद उस खुले हुए ब्रांच में VTH निकाल लीजिए, फिर उस खुले हुए ब्रांच में RTH निकाल लीजिए, फिर उसको सीरीज में लगा दीजिए और जिसको खोले हैं उसको ला के जोड़ दीजिए, फार्मूला यूज करिए, सॉल्व हो जाएगा। बस कुछ इसमें नई बात नहीं है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।